नमस्कार। फेनिल ने फरी अपायो मोटो झटको। ग्रीष्मा हत्या केसना आरोपी फेनिल ने फांसी ने सजा ने कन्फर्म अर्जी हाईकोर्टे स्वीकारी। सूरत ना खूब चकचार एवा ग्रीष्मा हत्या केसना आरोपी फेनिल ने सजा ना कन्फर्मेशन माटे हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल करवामां आवी हती। सूरत ने सेशन कोर्टे ग्रीष्मा हत्या केस ने रेरेस्ट ऑफ द रेर केस गणी ने हत्यारा फेनिल ने फांसी की सजा फटकारी हती, जेने लईने तेना कन्फर्मेशन माटे हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल करवामां आवी हती, जेमां फेनिल ने फांसी की सजा की कन्फर्म अर्जी हाईकोर्टे स्वीकारी छे। गुजरात हाईकोर्टे कन्फर्मेशन केस ने स्वीकारी ने केस ने दाखिल करी दीधो छे। एटलू ज नहीं, सरकार की अपील ना पगले हत्यारा ने हाईकोर्ट કરીને નોટિસ પણ પાઠવી છે। ટોક ઓફ ધ ટાઉન બનેલા અને સમગ્ર ગુજરાતનું ધ્યાન ખેંચનારા ગ્રીષ્મા હત્યા કેસમાં ફેનિલ દિન દહાડે જાહેરમાં હત્યા કરી હતી, ત્યારબાદ ફેનિલ સામે ગુનો નોંધાતા કેસ દાખલ કરવામાં આવ્યો હતો। સુરતની સેશન કોર્ટે ફાસ્ટ ટ્રેકમાં કેસ ચલાવીને ફેનિલને દોષિત ઠેરવતા ફાંસીની સજા ફટકારી હતી। फेनिल ने फांसी की सजा कन्फर्म रहे ते माटे सरकार की अपील ना पगले हाईकोर्टे फेनिल ने नोटिस इश्यू करी छे। आ समग्र मामले हाईकोर्टे केस की आगामी सुनावणी 28 जून रोज नियत करी छे। धन्यवाद। जय हिंद।